सम्राट पृथ्वीराज चौहान जीवनी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजा थे। उन्हें 20वीं सदी में उत्तर भारत में उत्तर दिल्ली और अजमेर साम्राज्य पर शासन किया। पृथ्वीराज का जन्म अजमेर में हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर चौहान और माता कपूरी देवी थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और युद्ध कला में निपुण थे। उन्हें बचपन से ही शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास किया गया था। पृथ्वीराज चौहान के पिता के मृत्यु के बाद उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए। वे एक बहादुर योद्धा थे। जयचंद उस समय कन्नौज का राजा था। जब पृथ्वीराज के किस्से जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुँचे तब संयोगिता पृथ्वीराज की प्रशंसा करने लगी तथा उसे आमंत्रित करने का नेतृत्व रखा। अगले दिन संयोगिता ने स्वयंवर रचा। जयचंद ने सभी बड़े राजाओं महाराजाओं को बुलाया मगर पृथ्वीराज की दुश्मनी के साथ पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। तो पृथ्वीराज चौहान चुपके से कन्नौज में आकर संयोगिता को हरण कर ले गए। यहीं से ही पृथ्वीराज जी और जयचंद के बीच युद्ध की स्थितियां और बढ़ गई। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों की दुश्मनी का लाभ उठाते हुए अफगानी घुसपैठिया मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश किया। मोहम्मद गौरी ने रात में अचानक आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने मंत्रियों ने जयचंद के सहायता के लिए नेतृत्व रखा मगर जयचंद ने मना कर दिया। मोहम्मद गौरी को घुटनों के बल बैठकर पृथ्वीराज से जीवनदान की भिक्षा मांगनी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में हटाया मगर मोहम्मद गौरी ऐसा दुष्ट था उसने 17वीं बार फिर से आक्रमण किया और इस बार मोहम्मद गौरी की सेना और ज्यादा मजबूत होकर आई थी। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गए। अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान को दरबार में लाकर अपमानित किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि तू मेरे कारण जिंदा है, मैंने तेरे पर दया दिखाई है और एक राजपूत की नज़रें तभी झुकती हैं जब उसकी मृत्यु हो। तो मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से जला दी जाएं। पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से निर्दया के साथ जला दी गई। कवि चंद्रबाई पृथ्वीराज चौहान से मिलने अफगानिस्तान पहुंचे। वहां मोहम्मद गौरी को समझाकर पृथ्वीराज चौहान से मिलने का समय ले लिया। चंद्रबाई पृथ्वीराज चौहान दोनों ने एक योजना बनाई। अगले दिन कवि चंद्रबाई ने मोहम्मद गौरी से बोला, पृथ्वीराज चौहान शब्द विच्छेद पर तीर बाण चला सकता है, उसको शब्द भेदी बाण विद्या में महारत हासिल है। उसने मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान को दरबार में आने का आदेश दिया।
मोहम्मद गौरी ने बोला कि अब तुम्हें घंटी पर सटीक निशाना लगाना है, घंटी के आवाज़ पर। पृथ्वीराज चौहान ने सटीक घंटी की निशान पर निशाना लगाया। फिर कवि चंद्रबाई मोहम्मद गौरी के ठीक पीछे आकर ये दोहा दोहराने लगी, चार बांस चौबीस गज उंगल अष्टा निष्ठा उष्टा प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूको चौहान। उस दोहे की मदद से और अपने वर्ण विच्छेद में महारत हासिल करके उसने मोहम्मद गौरी पर निशाना लगा दिया और मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। और इसी तरह पृथ्वीराज चौहान और कबीर चंद्रबाई ने एक दूसरे को मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।